एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अफशम। नाउ आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स की रेंज शेयर करने वाली हूँ। नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो बाय ब्रांड, क्योंकि मैंने ये खुद प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। एंड अगर आपको भी मेरी तरह डैंड्रफ का इशू है, आपको भी स्काल्प में डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, फ्लीकी डैंड्रफ होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेयर एनाटॉमी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। सो दिस इज द कम्प्लीट रेंज जो मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ। एंड शैम्पू तो ऑलमोस्ट एम्प्टी भी हो गया है, ठीक है। सो आई गॉट इट फ्रॉम Amazon। ये कम्प्लीट रेंज आपको Amazon पे मिल जाएगी। Amazon पे अभी सेल भी चल रही है, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको इन प्रोडक्ट्स पे। प्लस Amazon ऑल ओवर इंडिया भी डिलीवरी करता है, तो आप कहीं से भी हो इंडिया में, आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो Amazon के थ्रू, एंड कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू कि मेरा जो स्काल्प टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेकी है, एंड काफ़ी फ्लेकी वाला डैंड्रफ मुझे होता है। मैंने अभी तक काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्राई करके रखे हैं, उनको भी मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेवा मैट का एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैंने ट्राई कर लिया है, एंड हेड एंड शोल्डर्स का मैंने कर लिया है। सेवा मैट का काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप रेगुलरली उसको यूज़ कर रहे हो तो वो आपके बालों पर, आपके स्काल्प पर वर्क करना बंद कर देता है। मेरा जो स्काल्प टाइप है, मैंने आपको बताया कि ड्राई है, नहीं एक्चुअली ऑयली स्काल्प है, और जो मेरे बाल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं, तो स्काल्प इज रियली ड्राई। सेवा मेड वाला का जैसे कि मैंने कहा काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे रेगुलरली यूज़ करोगे 2-3 बॉटल, तो फिर वो अपना असर खोना चालू कर देता है। हेड एंड शोल्डर्स जो है फ्लेकी डैंड्रफ पे वर्क नहीं करता, और नॉर्मल डैंड्रफ पे वर्क करता है, और बाल को बहुत ही ड्राई एंड डल बना देता है। इसी तरीके से मैंने और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है ट्राई करके रखे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो अभी तक मैंने यूज़ किया है उन सब में। इसीलिए मैंने ये बॉटल्स खाली होने के बाद भी संभाल के रखे हैं कि आपको मैं जो है इनके बारे में शेयर करता हूँ। इस पूरी रेंज में जो है हमें 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बेयर एनाटॉमी के और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने इनकी डैंड्रफ की जो रेंज है वो ट्राई आउट की है। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है ये वाला शैम्पू। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आ जाता है। सो बेसिकली बहुत ही बेसिक सी पैकेजिंग है, इंग्रेडिएंट्स क्लियरली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सारा कुछ यहाँ पे इजीली मेंशन है, क्लीन एंड क्लियर ब्रांड है। वेल ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, तकरीबन 550 उसका MRP है, बट Amazon पे हमेशा ही कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है, तो 100-200 रुपये आपको कम में ही मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो टेक्सचर है वो एकदम ही जैसे नॉर्मल शैम्पूज का होता है, व्हाइट कलर का ये आ जाता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हेना बेस्ड फ्रेग्रेंस आती है, मतलब नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स की इसमें फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा हाई केमिकली फ्रेग्रेंस नहीं आती है। सो फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। सेकेंड जो प्रोडक्ट इस रेंज में आ जाता है वो है इसका मास्क। दिस इज अ एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क। नाउ इसको स्काल्प पे नहीं लगाना है, इसको हेयर लेंथ पे आपको लगाना है। सो दिस इज अ मास्क बेसिकली, ये कुछ इस तरीका का आ जाता है। एंड एज यू कैन सी कि मैंने इसका काफ़ी हद तक यूज कर लिया है। इसकी भी जो फ्रेग्रेंस है ना, काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की आ जाती है। ये इसका जो प्राइस है दैट इज़ 595 रुपीज़, और इसमें आपको मिल जाता है, हाउ मच क्वान्टिटी आर यू, इसमें 250 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड देन थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये हेयर टॉनिक के नाम से आ जाता है। नाउ दिस इज अ मैजिकल प्रोडक्ट, 799 रुपीज का ये आ जाता है, एंड द क्वांटिटी इज 50 ml, बट ट्रस्ट मी इट्स गोना लास्ट यू फॉर एवर। एंड यहाँ पे स्प्रे नोजल दिया हुआ है जो कि एक्यूरेट अमाउंट स्प्रे करता है। तो बेसिकली हम वन बाय वन इस प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे आपके बालों पे, स्काल्प पे वर्क करते हैं, जरूरी भी है या नहीं, एंड पूरा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन केस वांट टू चेकआउट। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स रोल इन टू दैट। बेयर एनाटॉमी में यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ क्रुएल्टी फ्री 100% वेजिटेरियन ब्रांड। इस पे कोई भी जो है प्रोडक्ट को एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया है। 250 ml ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 500 रुपीज के हिसाब से, 550 के हिसाब से। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जनरली अच्छे शैम्पू आजकल इसी रेंज में फ्लक्चुएट करते हैं, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इट्स वेरी गुड। इस बॉटल की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही बेसिक सी पैकेजिंग में आ जाता है, विच आई रियली लाइक। इसका जो बालों में झाग ये बहुत ही अच्छे से बनाता है, और स्काल्प को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से क्लीन ये करता है। दिस इज गोना वर्क लाइक अ बेसिक शैम्पू।
अब क्या ये डेंड्रफ पे वर्क करता है? ये डेंड्रफ पे स्लाइटली वर्क करता है, लाइक जब ये ऊपर ऊपर जो भी आपका डेंड्रफ है उसको ये अच्छे से वॉश आउट कर देता है, आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बाल वे डाउन या ग्रीजी वगैरह नहीं लगते हैं, तो इट्स अ गुड शैम्पू। बट क्या ये टारगेटेड डेंड्रफ एरिया को यू नो वर्क करता है? तो आई एम गोना टेल यू कि इस पूरी रेंज में ये हीरो प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल शैम्पू। अगर आपको शैम्पू कोई और भी यूज करना है, डेली आप जो यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो। सो आई लाइक द प्रोडक्ट, ना खराब है ना अच्छा है, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड प्रोडक्ट। सेकेंड जो प्रोडक्ट इस एंटी डेंड्रफ रेंज में आ जाता है वो है ये वाला प्रोडक्ट, जो कि इनका मास्क आ जाता है। नो आई डोंट नो, मैंने लेते वक्त भी इस को सोचा था कि अगर हम बालों की लेंथ पे कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो वो हमारे स्काल्प के यू नो डेंड्रफ को कैसे कम करेगा। एंड हियर इज माई ओपिनियन आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, लाइक इंटायर प्रोडक्ट। इफ आई टॉक अबाउट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जनरली हेयर मास्क इसी रेंज में फ्लक्चुएट करते हैं, ना महंगा है ना बहुत ही ज्यादा सस्ता है, बहुत बराबर वाजिब दाम है। इसकी अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इट्स अ थिक कंसिस्टेंसी मास्क। इस मास्क में अगर आपकी बालों की लेंथ यहाँ तक भी है, लाइक मेरे बालों की लेंथ यहाँ तक है, तो आराम से आप 10 से 15 बार इस मास्क को अप्लाई कर सकते हो। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद डैंड्रफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसे स्काल्प पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। एक बार ऐसे फेरोसिटी मैंने अप्लाई भी कर लिया था, बट अगेन दिस इज फॉर लेंथ, दिस इज नॉट फॉर स्काल्प। सो बेसिकली ये बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाता है, लाइक जैसे आप स्पा वगैरह कराते हो। तो इट्स अ ग्रेट मास्क अगर आपके बालों को आपको हाइड्रेट करना है, नरिश करना है, बेजान हो गए हैं, वेरी गुड मास्क। बट अगेन स्काल्प के डेंड्रफ पर ये वर्क नहीं करता, इसका कोई कनेक्शन नहीं है स्काल्प के डेंड्रफ से। नाउ थर्ड प्रोडक्ट इज आर हीरो प्रोडक्ट, एन एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमारे डेंड्रफ पर वर्क करता है, एंड आई एम रियली सरप्राइज। तो इस प्रोडक्ट को, इन सारे ही प्रोडक्ट को मैंने अलग अलग टेस्ट किया, लाइक पूरे साथ में रेंज में टेस्ट किया है, फिर मैंने अलग अलग इंडिविजुअल दूसरे शैम्पूज के साथ, दूसरे टॉनिक्स के साथ भी टेस्ट किया है। एंड जो कंक्लूजन निकला है, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट जो आपके डेंड्रफ या टारगेटेड एरिया पे, जहां पे आपको स्काल्प फ्लेकीनेस है, वहां पे ये वर्क करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शैम्पू अप्लाई करना है, बालों को वॉश कर लेना है, देन आपको मास्क अप्लाई करना है, 30 मिनट तक रखना है, फिर इसे वॉश कर लेना है। देन बाल जब आपके धुले हुए हो, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को आपको स्काल्प पे स्प्रे करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाएगी, बिकॉज इसका जो नोजल है एकदम ही फाइन है, बहुत ही परफेक्ट है। तो अच्छे से अगर आप यू नो ऑल्टरनेट डे अप्लाई कर रहे हो तो आराम से एक से डेढ़ महीना ये आपको चलेगा। आप वीक में 3 डेज इसे जो है अप्लाई कर सकते हो, और आपका फ्लेकीनेस जब तक आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते रहोगे, लाइक 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तब तक ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। जैसे ही आपने इस प्रोडक्ट को छोड़ा, वो तो हर केस में होगा, कोई भी आप प्रोडक्ट यूज कर लो, क्योंकि हम इसे ऊपर से टारगेट कर रहे हैं, तो फिर वापस डैंड्रफ आना चालू हो जाता है। बट जब तक मैं इसको अप्लाई करती रहती हूँ, मुझे जो स्काल्प की इचिंग है, जो स्काल्प पे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक इससे कम हो जाता है, डैंड्रफ बिल्कुल ही गायब हो जाता है। लाइक मुझे तो इतना बुरा वाला डैंड्रफ है। सो इफ यू आर समवन जिसको मेरी तरह बहुत ही फ्लेकी डैंड्रफ है, इचिंग है वगैरह है, तो आप इस प्रोडक्ट पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्योंकि मुझे कोई भी शैम्पू यूज करना है, कोई भी मास्क यूज करना है, तो मैं इसकी कंप्लीट रेंज ही यूज करती हूँ। लेकिन इफ यू आर समवन जिसको अपना ही शैम्पू यूज करना है, जो हमेशा से करते आ रहा है, ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट सूटेबल होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हीट वाला टॉनिक आप यूज कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छे से इसने मेरे डैंड्रफ को कंट्रोल किया है। आप क्या करो, स्टार्ट में पहले ऑल्टरनेट डे इस प्रोडक्ट को लगाया करो बाल को वॉश करने के बाद, फिर धीरे धीरे इसे कम करते करते आप हफ्ते में एक बार आ सकते हो। अभी करंटली मैं इसे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर रही हूँ, बट इट वर्किंग परफेक्टली, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। सो अगर आपको डैंड्रफ को कम करना है ना, तो ये प्रोडक्ट को डेफिनेटली ट्राई आउट करना। दिस इज अ bombdegree.com प्रोडक्ट। बाकी शैम्पू और मास्क भी काफी अच्छा है, जैसे कि ये बालों को अच्छे से क्लीन करता है, इससे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बट ये दोनों डैंड्रफ पे टारगेट नहीं करते। हाँ, कुछ हद तक क्लीनिंग में मदद जरूर करते हैं डैंड्रफ को। एंड इफ यू आर समवन जिसको एक्चुअली में प्रोडक्ट जो है टारगेटेड एरिया पे करना है, तो दे कैन यूज दिस प्रोडक्ट। दिस इज देयर एंटी डैंड्रफ हेयर टॉनिक, डैंड्रफ रिडक्शन अप टू 100% in 30 days, so you should definitely check this out, and इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड yeah, thanks all for watching, bye and take care.